फ्रेंड्स हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और आज की वीडियो में हम कुछ न्यू फेबल आर्ट और उसके आर्ट को देखेंगे, कितना कार्ड इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है और लोग काम कर रहे हैं, और इतना के आर्ट को आप लोग घर पर बैठे किसी भी उस पर काम कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल सी चीज़ें हम आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने मुख्तलिफ प्राइस के जो स्टोन्स होते हैं, फेबल्स होते हैं, वो आपने जमा करने हैं और किसी भी समंदर किनारे वहाँ पर जाके जमा कर सकते हैं। अगर आपको घर समंदर किनारे नहीं है तो जो डी आई बी क्राफ्ट शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको बहुत ईजीली इसमें के स्टोन पेबल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने इन स्टोन्स को पेबल्स को साफ पानी से साफ करना है, वॉश करना है, और उसके बाद जो चीज़ें जो ज़रूरी हैं पेबल्स आर्ट के लिए, जैसे कि एक्रेलिक पेंट्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, पेंसिल और कागज़ स्केच बनाने के लिए, सीलिंग उसमें महफूज करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने सिंपली स्पून को वॉश करना है, नीट एंड क्लीन करना है, और उसके बाद आपने स्पून के ऊपर जो पेंटिंग्स करनी है या जो भी आपने चीज़ें बनानी है वो आपने पेंसिल और कागज़ से लेकर, सबसे पहले आपको एक स्केच बनाए। सपोज आपको गैस सफेद बनाना चाह रहे हैं, स्टोन पेंटिंग करना चाह रहे हैं, तो जो फेस का जो स्केच होगा पहले अपने कागज़ पर बना दें, और कागज़ पर बनाने के बाद फिर आपने उसी हिसाब से उसको देखते हुए फिर आपने स्टोन के ऊपर स्केचिंग करनी है, और स्केचिंग करने के बाद फिर आपने एक्रेलिक पेंट से स्टोन के ऊपर पेंटिंग्स करनी है, और उसके बाद फिर आपने उसको पुश होने के लिए रख देना। जब वो पुश हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने उसको सीलिंग करके प्रिजर्व करना है। और जब भी आप पेंटिंग्स करें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के साइज़ वाले जो पेबल्स होते हैं स्टोन के ऊपर आपने जमा करना है, और डिफरेंट किस्म के आप उसके ऊपर स्केच बनाओ, पेंटिंग्स करो, उसमें एनिमल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फेस स्ट्रक्चर्स हो गए, जिससे भी चीज़ें बना सकते हैं। और कुछ स्टोन ऐसे होते हैं, स्टोन आर्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्टोन पेंटिंग्स करने की जरूरत नहीं, आपके पास सिर्फ कैनवस है और आपको एक अच्छा लाइक ग्लू होना चाहिए, और कैनवस के ऊपर फिर आपने उन स्टोन्स को प्लेसिंग करनी है। सर की जगह पे सर वाले शेप का अपने स्टोन रखना है, बॉडी वाले टेबल में अपने बॉडी से मिलता जुलता लंबाई में जो स्टोन्स होते हैं उसको प्लेसिंग कर लेंगे। इसी तरह बिल्कुल पतले पतले पैरों के फिर रैम्बल करते हुए जो स्टोन्स होते हैं उनको आपने पैरों में संबल करना है, प्लेसिंग करनी है, और कैनवस के ऊपर फिर आपने पेंसिल पे थोड़ी सी स्केचिंग भी कर सकते हैं, लाइक जैसे कोई सी साइड है या फिर कोई ग्रीन ग्रीन भी है, पत्ते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, और थोड़ी सी एक्रेलिक पेंटिंग करना चाहें कैनवस पे वो भी कर सकते हैं। तो स्टोन तो बहुत ही हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, प्लेसिंग करते हैं, उसका हमारे स्टोन टेबल आर्ट भी तैयार हो जाएगा और जो स्टोन पेंटिंग के रूप में आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये आज की वीडियो देखते हैं, इसमें और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन और स्टोन आर्ट देखने को मिलता है, और आज की वीडियो भी बड़ी खूबसूरत है, और जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने भी इसी तरह इन्हीं आइडियाज़ पर अमल करके वीडियोज़ को बनाए हैं। इन्हीं देखे ये जो आइडियाज़ हैं ये भी आपको बहुत पसंद आएंगे। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखना है, वीडियो देख के बताना है आपने कि आपको वीडियोज़ कैसे लगी, और जो शौकीन लोग हैं स्टोन आर्ट के वो इन आर्ट के ऊपर काम करें, और इन स्टोन्स के ज़रिए हम डिफरेंट किस्म की स्टोरीज शो कर रहे होते हैं कैनवस के अंदर, मदर है, बेबीज हैं साथ में, या फादर सन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। कैनवस पर हमने थोड़ी बहुत स्केचिंग भी की है, सॉफ्ट खूबसूरती आ रही है, तो हमें भी किस्म का आर्ट है। मुझे ये वीडियो आज के बहुत पसंद भी आएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, दोस्तों के साथ ये वीडियो को आपने जरूर शेयर कर। तो आने वाले दिनों में हम लोग और मजीद लाइव ट्यूटोरियल्स को लेकर आएंगे, जिसमें आपको लाइव सीखने को मिलेगा कि हम लोग इसको किस तरीके से प्लेसिंग कर रहे हैं, किस तरीके से बना करेंगे, तो देखने वाला यकीन सरप्राइज हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा।